घोटाला मामले में सजायाफ्ता और एम्स दिल्ली में इलाज करा रहे लालू प्रसाद गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें दिल्ली से रांची रिम्स भेज दिया गया। मैं बीमार हूं, मेरी किडनी 60% खराब है, मुझे राजनीतिक दबाव में एम्स से हटाया जा रहा है, मेरे खिलाफ नरेंद्र मोदी साजिश कर रहे हैं, मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं 16 घंटे सफर नहीं कर सकता, फिर भी मुझे भेजा जा रहा है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हर साजिश का डटकर मुकाबला करूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो जवाब देना पड़ेगा। यह आरोप आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद रांची के लिए रवाना होते वक्त कहे। लालू के इस आरोप के बाद पटना से लेकर दिल्ली की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आरजेडी अपने नेता को बेहतर इलाज के लिए एम्स में रखने की बात कर रही है, तो बीजेपी लालू के रिम्स भेजे जाने पर मेडिकल टीम का हवाला दे रही है। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की खराब हालत को देखते हुए रांची रिम्स से दिल्ली एम्स भेजा गया था, लेकिन अब अचानक लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से रांची रिम्स भेजा गया। इसके बाद आरजेडी ने सवाल उठा कि आखिर लालू प्रसाद के इलाज में सरकार इस तरह क्यों कर रही है। लालू की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही, ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। लालू ने साफ कहा है कि उन्हें कुछ होता है तो सरकार और एम्स प्रशासन जिम्मेदार होगा। लालू जी, आपको लगता है कि आपको परेशान करने की नीयत है? लालू जी, लालू राहुल गांधी आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई उनसे? लालू जी, आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत भैया ठीक नहीं। हाँ, क्या तकलीफ है? मैंने हार्ट का है, पसूला है, चक्कर आता है, किडनी में किडनी 60% खराब है जी। आपका मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है एम्स किसी को? ये देख करके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से ये फैसला लिया गया है। ये डॉक्टर जो है, एम्स प्रशासन जो है, अगर खुल करके आकर के बताए तो ज्यादा बेहतर है, और एम्स जो है रिम्स से काफी बेहतर है और काफी बड़ा संस्थान है। लेकिन इस हालात में जब लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है और लगातार कोई सुधार नहीं है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो अब कैसे ये निर्णय लिया गया, ये तो एम्स के लोग और वो प्रशासन के लोग ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आनन फानन में इस तरह से क्यों निर्णय लिया जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो के इलाज के दौरान रांची से दिल्ली और अब दिल्ली एम्स से रांची रिम्स भेजने के फैसले पर बीजेपी से कानून और मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई बता रही है, तो आरजेडी इसे लालू के खिलाफ षड्यंत्र बता रहा है। अब आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि लालू के इलाज को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरजेडी के लोग इस तरह की ओछी राजनीति ना करें। लालू जेल में एक कैदी है और जेल के नियमों के अनुसार ही उनका इलाज डॉक्टरों के सुझाव पर हो रहा है। किसी कैदी का इलाज किस अस्पताल में हो, किस डॉक्टर से हो, ये तय करना जेल प्रशासन और चिकित्सकों का काम है। लालू के मर्जी से अस्पताल और डॉक्टर तय नहीं होगा। जेल प्रशासन ने पहले रिम्स भेजा था और रिम्स के डॉक्टरों ने एम्स जाने की सलाह दी थी, एम्स में इलाज हुआ, अब एम्स के डॉक्टरों ने रिम्स आने की सलाह दी है, इसमें राजनीति की कहां गुंजाइश है? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल स्वास्थ्य के मामले पर राजनीति कर रहा है, सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहा है, मैं इसे ऊंची राजनीति मानता हूं और राष्ट्रीय जनता दल को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को भले ही दिल्ली एम्स सीबीआई की मांग पर रिम्स भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और लालू की मुलाकात के चंद घंटे बाद लिए गए निर्णय ने कई सवाल खड़े किए। क्या लालू को पूर्ण स्वस्थ हुए बिना एम्स से छुट्टी दे दी गई? क्या वाकई सियासत के खेल में बीमार लालू की गुहार नहीं सुनी गई? लालू प्रसाद का बयान कि वो अभी ठीक नहीं है, ये सियासी षड्यंत्र है के दावे की पुष्टि करता है? दो दिन पहले दिल्ली के एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के बड़े बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि अब लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से कभी भी हटाया जा सकता है। लिहाजा आरजेडी सुप्रीमो आनंद फानन में दिल्ली से रांची भेजने के फैसले से आरजेडी के अंदर आक्रोश है, तो बीजेपी से मेडिकल बोर्ड और कानून का फैसला बता अपना पल्ला झाड़ रही है। बहरहाल सूबे की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के अपने बड़े बेटे की शादी में शामिल होने के पहले ही बड़ा संकट खड़ा कर दिया। गणेश सम्राट, सातन, पटना। तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू यादव को दिल्ली के एम्स ने डिस्चार्ज कर दिया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज बिहार झारखंड पर। हाँ जी धन्यवाद। नीरज जी आपसे जानना चाहूंगा, लालू यादव ने इस पूरे मामले को केंद्र सरकार की और जो है एम्स प्रबंधन की साजिश बताया है, कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनको रिम्स रेफर नहीं किया जाना चाहिए था, उनका इलाज एम्स में होना चाहिए था, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए माननीय लालू प्रसाद जी राजकोष के खजाने के लूट के आरोप में विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के बाद उनको रिम्स लाया गया। रिम्स के डॉक्टरों के अनुशंसा पर और न्यायपालिका के आदेश से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आए, वहां इलाज हुआ और मेडिकल बोर्ड ने इस बात की अनुशंसा की कि अब ये जाने लायक हैं। तो इसमें साजिश कहाँ है लालू जी? आप करप्शन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट तो आप है नहीं, तो आप ये साजिश किस बात की? तो अगर आपको साजिश लगता है तो आप जमानत के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं, इसमें क्या परेशानी उनको है? जाए मेडिकल रिपोर्ट के खिलाफ। हेलो जी एक और चीज यहाँ पर अहम चीज ये जानने वाली हो जाती है कि अगर मेडिकल बोर्ड ने लालू के स्वस्थ होने का हवाला दिया है तो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो क्यों नहीं वो की हैं, वो क्यों खुलेआम जाहिर नहीं किए हैं उन रिपोर्ट्स को? वो जुडिशियल कस्टडी में है तो एम्स का प्रशासन अपने हिसाब से इन चीजों को रखेगा, उसको तो कोर्ट को भी जवाब देना होगा। और लालू जी रिम्स जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लालू जी को वहां पर रिम्स में, रिम्स एक प्रतिष्ठित संस्था है, मेडिकल संस्था है, वहां पर पशुपालन का डॉक्टर इनका इलाज करेगा क्या? मेडिकल का एमबीबीएस डॉक्टर है। जब लालू यादव जी बोल रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो प्रबंधन है उसको इलाज जो है एम्स में करना चाहिए ना कि रिम्स अस्पताल में? क्यों आखिर क्यों किस बात के लिए? आप विभिन्न मामलों के सजा याफ्ता है, आम आदमी जो परेशान है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में जेल में, ये सवाल तो कभी नहीं उठता है। यही दुर्भाग्य इस देश का है कि जो देश के अंदर में सियासत में भ्रष्टाचार का आरोपी हो जाए, सजा याफ्ता हो जाए, वह विशेष नागरिक, और आम आदमी आम नागरिक है, खास लोग है, तो खास लोग के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं लालू जी, इसमें कोर्ट जाने में क्या दिक्कत इनको है? जाना चाहिए इनको, हमारे खिलाफ ताजिश हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, हमारा स्वास्थ्य का ये पैमाना है, हमारी परेशानी है, लालू जी को सियासत का विषय क्यों बना रहे हैं? सहानुभूति लेने के लिए है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे नीरज कुमार जेडीयू प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि लालू यादव को अगर समस्या है तो उन्हें इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि कानून और मेडिकल बोर्ड का हवाला देकर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो कानूनन हुई है और मेडिकल बोर्ड का ये पूरा फैसला है जिसके बाद लालू यादव को एम्स से रिम्स रेफर किया गया है। आपको बता दें कि एम्स ने फिट बताकर लालू यादव को डिस्चार्ज कर दिया है, वहीं लालू यादव ने खुद को अभी भी बीमार बताते हुए इसे राजनैतिक प्रतिशोध करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इससे पहले लालू ने चिट्ठी लिखकर डिस्चार्ज न करने की गुजारिश की थी, लेकिन एम्स प्रशासन ने उन्हें फिट बताकर छुट्टी दे दी। एम्स ने साफ किया कि लालू यादव के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उन्हें रांची मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। डिस्चार्ज किए जाने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लालू यादव से मुलाकात की थी, दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। लालू को एम्स से डिस्चार्ज करने के फैसले की उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आलोचना की है। लालू यादव ने एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में उन्हें एम्स से डिस्चार्ज किया गया है और मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूं, यह कहना है लालू यादव का, और उनका कहना है कि बिना फिट हुए ही उन्हें रिम्स भेजा जा रहा है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश सम्राट पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, लालू यादव को पहले एम्स शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद अब रांची के रिम्स में दोबारा शिफ्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर लालू यादव कह रहे हैं कि उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है, तो फिर उन्हें बेहतर इलाज क्यों नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें एम्स प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल सोहन, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के द्वारा या पूरी आरजेडी जो खेमा है उनके द्वारा इसी बात को लेके सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है, ताकि जब हमें जरूरत थी तो फिर हमें हमारे नेताओं को बेहतर इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर किन वजहों से रांची से एम्स लाया गया बेहतर इलाज के लिए, और अब जब पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव स्वस्थ नहीं हो पाए, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी भी मेरी किडनी 70-60% खराब हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है, इसके अलावा भी मुझे कई और बीमारियां हैं उनका इलाज चल रहा है, तो आखिर अचानक से किन कारणों से बिना पूरे इलाज किए हुए मुझे दिल्ली से वापस रिम्स भेजा जा रहा है? अगर इन तमाम चीजों का इलाज अगर रिम्स में ही हो जाता तो मुझे उस समय ही एम्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं अब जब मुझे इलाज दिया जा रहा है और इस इलाज का असर भी मेरे ऊपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में इलाज छोड़ के मुझे वापस रिम्स भेजने का जो निर्णय लिया गया है वो एम्स प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार के इशारों पर किया गया, और इसके लिए सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुहार हैं। दूसरी तरफ बात कर लें तो हाल के दिनों में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेके उनके बेटे तेजस्वी यादव या परिवार के दूसरे लोगों के साथ साथ जो बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इकतरुल इमाम आरजेडी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकतरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधन न्यूज बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। यादव के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम भी चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं भी अपना ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, वहां पर मैंने पाया कि एक जो दर्शक हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, या फिर यूं कहें मैं नहीं जानता कि वो दर्शक हैं या फिर बीजेपी जेडीयू की तरफ से कोई सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनका जो सजा का कार्यकाल है वो 5-स्टार हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाए और उसके बाद वो फिर से बिहार में जंगल राज के लिए उछल पड़े। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। तो लगता है हमारा संपर्क इकतरुल इमाम जी से नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सजा दी गई थी, जिसके बाद उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले रांची के रिम्स में शिफ्ट किया गया था, रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य के लिए लालू यादव ने गुहार लगाई थी कि उन्हें एम्स में भर्ती किया जाए। उसके बाद लालू यादव को एम्स में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि जब लालू यादव को एम्स में भर्ती किया गया तो उसके बाद राजनीतिक जो शख्सियतें हैं विपक्ष की एकजुटता को लेकर जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, राजनीतिक दिग्गजों ने लालू यादव से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद लालू यादव को अचानक एम्स से छुट्टी कर दी जाती है और लालू यादव को रिम्स रेफर कर दिया जाता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही, आप लगातार देखते रहिए साधना न्यूज बिहार झारखंड। अब से कुछ ही देर में विशेष लेकर होंगे।